हेलो क्लास सर, मैं वगौर में अच्छा हूँ। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे, फंक्शनल एनालिसिस का ही। ओके ठीक है, ये 17th लेक्चर है आपका। एंड द क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव बेजल्स इनइक्वालिटी इन हिल्बर्ट स्पेस। आपको बेजल इनइक्वालिटी जो है वो प्रूव करनी है, उसको स्टेटमेंट बतानी है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका इसका स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। स्टेटमेंट ठीक है, इफ ए आई इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ठीक है, सेट होगा इन अ हिल्बर्ट स्पेस ठीक है, मान लीजिए H, तब क्या होगा, देन समेशन मॉड ऑफ x e i का जो इनर प्रोडक्ट होगा का स्क्वायर, इट विल बी लेस इक्वल नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। ये है मेन इसकी कहानी स्टेटमेंट। ओके अब प्रूफ वाला पार्ट पे आइए। यहाँ पे कंडीशन भी होता है फॉर एवरी वेक्टर एक्स इन एच, एक्स जो आपका एच में वेक्टर होगा। ओके अब मान लो वे लेट एस इक्वल्स टू ई आई सच दैट एक्स ई आई आपका जो है क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, ये बात याद रखिएगा ठीक है। अब यहाँ बताइए, सिंस बाय थ्योरम, इससे पहले थोड़ा मतलब से पढ़ोगे, एस इज एम्प्टी और काउंटेबल। थ्योरम से एक बात आती है, एक्स आपका क्या हो गया, तो एम्प्टी हो गया तो काउंटेबल होगा। अब यहाँ बताइए, इफ अगर एस एम्प्टी है, इफ एस इज एम्प्टी देन वी हैव एक्स ई आई जो है इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई। तो इस केस में क्या होगा बताइए, इन दिस केस वी डिफाइन क्या भाई, तो सिग्मा एक्स ई आई जो होगा डिफाइन करोगे आप का स्क्वायर टू बी द नंबर जीरो जीरो एंड, अब यहाँ पर देखिए जीरो होना चाहिए एंड इसके लिए क्या मिले आपके पास, वी हैव ये जो है नॉर्म जीरो लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, दस इफ एस इज एम्प्टी, अगर एस एम्प्टी होगा देन अपने पास क्या मिला, देन वी हैव क्या मिला भाई, समीशन ऑफ मॉड एक्स ई आई का जो स्क्वायर होगा इट विल बी लेस इक्वल नॉर्म एक्स का स्क्वायर ठीक है। यहाँ तक चलिए क्लियर। अब यहीं भी बताइए, अब मान लेते हैं नाउ वी सपोज दैट एस इज नॉट एम्प्टी, इससे पहले वाले केस में क्या माने थे, एम्प्टी माने थे, अब मानेंगे एम्प्टी नहीं है, तब इसका मतलब क्या हुआ, देन आइदर S is finite ठीक है और it is countably infinite ठीक है। अब यहाँ पे finite में दो possibility,
एस तो फाइनाइट होगा, आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब होता है गिन सकते हैं लेकिन नंबर में बहुत ज़्यादा, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला केस आता है, इफ एस इज फाइनाइट, ठीक है, देन वी मे इजली राइट, ठीक है। फुल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, क्या लिख सकते हो बताइए। एस इक्वल टू लिख सकते हो ई वन ई टू, ऐसे चलता जाएगा ई एन तक, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एन होना होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर उसके लिए, ओके। नाउ इस केस में जो है आपका, इन दिस केस वी डिफाइन सिग्मा एक्स सी आई को कैसे डिफाइन करोगे, इसका जो स्क्वायर है समेशन आई इक्वल्स टू वन से एन, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स ई आई, ओके, इसका स्क्वायर ऐसे डिफाइन करेंगे वन से एन। इसका मतलब क्या हुआ, विच इज विच इज, अब यहाँ देखिए इसका मतलब आपका हुआ कि जो लेस इक्वल ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर से, कहाँ से लाएं तो बाय बेजल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट केस, ये वहां से आया फाइनाइट केस वाले लिख लिया आप, ठीक है। अब यहां बताइए फाइनली आप क्या करोगे, फाइनली, ठीक है, सपोज दैट एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ तीन केस था, एक में था आपका जो एम्प्टी होगा, दूसरा में काउंटेबल अगर होगा तो काउंटेबल में फाइनाइट, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, तो इसका सेकंड केस देख चुके पहले, ओके। अब आज लास्ट केस बचा था फाइनली, ठीक है। चलिए अब लेट द वेक्टर्स इन एस, लेट द वेक्टर्स इन एस बी अरेंज इन अ, बी अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अब हम मान लेते हैं जो इन काउंटेबली इनफाइनाइट इसमें वेक्टर्स जो है डेफिनेटली अरेंज्ड हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ ए वन जाएगा ए टू जाएगा ऐसे ही जाएगा आपका ई एन तक, फिर आगे भी ऐसा चलता रहेगा। तो इस केस में आपको क्या मिला, इन दिस केस, इन दिस केस लेट अस डिफाइन समेशन एक्स ई आई का जो स्क्वायर है ये आएगा समेशन, अब जो एन बराबर वन से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, मॉड ऑफ एक्स ई आई का, अब यहाँ ई आई की जगह पे आपका एन आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका आ गया, अब यहाँ से एक ये जो समेशन डिफाइन आपका कब होगा, ये एन है आपका, ठीक है, इट इज, चलो यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू समेशन एन इक्वल्स टू वन से इनफिनिटी मॉड ऑफ एक्स ई एन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये समेशन एक बात यहाँ पे है, बट दिस सम विल बी डिफाइंड, सम विल बी
वेल डिफाइंड, ठीक है, ये आपका वेल डिफाइंड तभी होगा जब ओनली इफ वी कैन शो दैट द सीरीज, ये जो आपका सीरीज है समेशन एन इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी एक्स ई एन का स्क्वायर, इसका होना चाहिए आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट होना चाहिए एंड दैट इट्स सम डज नॉट चेंज एंड दैट इट्स सम डज नॉट चेंज बाय एनी रीअरेंजमेंट ऑफ इट्स टर्म्स। और दूसरी बात, इसमें जो अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करें, इसका सम जो है आपका अल्टर नहीं होना चाहिए, सम से ही माना चाहिए। ओके, अब चलिए आप लिखोगे सिंस वी हैव समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन से एन एक्स ई आर का जो स्क्वायर है, लेस इक्वल है अपने पास नॉर्म एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है रिलेशन, सिंस दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर, सिंस दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, ये तो आपको पहले से पता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्या है एन के लिए, ठीक है, इसलिए जो है आपका देयर फॉर इट मस्ट बी ऑल्सो ट्रू इन आपका लिमिट में भी क्या होगा, ट्रू होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से क्या मिला आपको, सो वी हैव समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी एक्स ई आई का स्क्वायर लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तब क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट वी फाइंड दैट फर्स्ट से आप क्या मिलता है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज क्या आपका कन्वर्जेंट है। ओके, कन्वर्जेंट है। अब यहां बताइए, सिंस ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव है, सो इट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा, और इसका सम जो है एंड इट्स सम विल नॉट चेंज, इसका सम आपका चेंज नहीं होगा बाय एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ इट्स टर्म्स। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यहाँ पे तो ये आप प्रूफ कर दिए। ओके, अब देखिए, सो समेशन ऑफ एक्स ई आई का जो स्क्वायर ये होगा समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी एक्स ई आई का स्क्वायर
ठीक है। एंड फ्रॉम फर्स्ट से आपको क्या मिलता है, एंड फ्रॉम फर्स्ट वी फाइंड दैट दैट समेशन ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर, ये तो यहाँ से आया था, एन इक्वल्स टू वन से इनफिनिटी एक्स ई आई, ये जो है आपका, ये तो क्या है आपका, ये क्या है लेस इक्वल नॉर्म का एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास क्या मिल गया फाइनली, देखो प्रूव क्या करना था आपको, ये वाला पार्ट समेशन ऑफ एक्स ई आई इम्प्लाइज समेशन ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा लेस इक्वल नॉर्म एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट देखिए आप, ये प्रूव करना था, दोनों तरफ स्क्वायर है आपका, समेशन एक्स ई आई का स्क्वायर लेस इक्वल नॉर्म एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। हेंस द थ्योरम, ठीक है, ये था आपका कंप्लीट बेजल्स इनइक्वालिटी। ओके तो इसको अच्छे से कर लीजिए, बाकी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।